आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखनाथ थाना क्षेत्र के जामिया नगर नथमलपुर में हिस्ट्री टीचर की 5 अज्ञात लोगों द्वारा लाठी डंडों से मारपीट कर की गई हत्या। एसपी सिटी ने कहा घटना के खुलासे के लिए बनाई गई है 3 टीमें, जल्द होगा घटना का खुलासा। रविवार को खजनी थाना क्षेत्र के ग्राम मऊधर मंगल गांव में हुई घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त भगवान दास को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसएसपी ने कहा वांछित अभियुक्तों की जल्द होगी गिरफ्तारी। गोरधैया नाले का तेजी से करवाया जा रहा है कार्य। नाले के दोनों तरफ नागरिकों को टहलने के लिए बनवाया जा रहा है वॉकिंग ट्रैक। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह व सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने विश्वविद्यालय चौराहे के पास प्रशासन द्वारा संचालित बस स्टैंड पार्किंग का किया निरीक्षण। स्टैंड के ठेकेदार को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सीडीओ संजय कुमार मीणा ने जिला अस्पताल व महिला जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। चेक किया ड्यूटी रजिस्टर, अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन किया बाधित। एक किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा के साथ एक अभियुक्त बादल चौहान को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दीवानी न्यायालय परिसर में स्थित चिकित्सालय में कोविड वैक्सीनेशन के बूस्टर डोज का लगवाया गया कैंप। अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा जल्द से जल्द कोविड वैक्सीन के बूस्टर डोज को लगवा कर अपने बहुमूल्य जीवन को करें सुरक्षित। स्वास्थ्य विभाग में नियम विरुद्ध व्यापक स्थानांतरण के विरोध में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सीएमओ कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। मांगे नहीं माने जाने पर 26 से 30 जुलाई तक 2 घंटे कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी। वोकल फॉर लोकल के मंत्र को सिद्ध करेंगी बांस की राखियां। पूरे प्रदेश में पहली बार गोरखपुर में बनाई जा रही हैं बांस की राखियां। प्रायोगिक तौर पर 1,00,000 रुपए कीमत की राखियां बनवाने का है लक्ष्य। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस पर गोरखपुर में आयोजित इंटरनेशनल सेमिनार में भी लगाई जाएगी बांस की राखियों की प्रदर्शनी। परिवहन निगम की बसों में यात्रियों की सुविधा के लिए कंडक्टर को ई टिकट मशीन का हुआ वितरण। शुरू हुआ कैशलेस टिकट काटने का कार्य। नहीं हो रही चेंज की कोई दिक्कत। नागरिक क्रेडिट डेबिट कार्ड से कर रहे टिकट के पैसे का भुगतान। और सावन के दूसरे सोमवार को सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने चढ़ाया भगवान शिव को जल। मानसरोवर मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के रहे पुख्ता इंतजाम। कहा सावन में व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करने से मनोकामना होती है पूरी।